अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सिदा रिजवान हेयर। आज मैं आपको बता रही हूँ सिंधी बिरयानी की रेसिपी। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी बिरयानी। मैंने जो है 1 कप ऑयल ले लिया है, हीट अप कर लिया है। अब मैं इसमें स्लाइस की हुई अनियन डालूँगी, 2 ली है मैंने। अनियन को जो है बिल्कुल आपने चॉप कर लेना है, गोल्डन ब्राउन शेड कर लेना है। इतनी अनियन होने के बाद इसमें डाल दूँगी 2 टमाटर, 1 टेबल स्पून जीरा गार्लिक पेस्ट, 1/2 कप दही। अब इसको भून लें। देखिए मैंने फ्लेम जो है हाई की हुई है, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भून रही हूँ। इतना भूनिए टमाटर जो है इसमें कुचल जाए, मैश हो जाए और ये सब अपना पानी छोड़ दें। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ सिंधी बिरयानी की रेसिपी, और जो सिंधी मसाले का, सिंधी में जो है ना बिरयानी का मसाला, उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको नेक्स्ट टाइम दूंगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ। सो गाइस, आप मेरी इसके बाद वाली रेसिपी लाजमी देखिएगा। मैं ऐसे मसाले आपको सारे बताऊंगी, क्या क्या आपने लेना है, कैसे फ्राई करना है इसको, और जो है आपने पीस के एयरटाइट जार में आपने रख लेना है। मैं आपको सारे मसाले तरतीब से बताऊँगी, इसकी क्वान्टिटी भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसकी बाद वाली रेसिपी जो आएगी प्लीज़ आप देखिएगा, मैं उसमें बताऊँगी। ठीक है गाइस, ये हमने बस फ्राई करना है, 3 से 4 मिनट में फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं अपना मसाला डालूँगी बिरयानी का। अब इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के मैंने बिरयानी का मसाला डाला है। अब मैं इसको भूनूँगी, थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करा, बिल्कुल मैंने 2 से 3 टेबल स्पून से पानी ऐड करके मैं इसको भून रही हूँ। अब इसके अलावा मज़ीद इसमें क्या है मसाले मैं भी आपको बताऊंगी। मसालों के अलावा भी मैं इसमें भी और डालूंगी। मैंने 7 पीस तो लिया है, लेकिन इसके अलावा जो है थोड़े बहुत स्पाइसेस वो मैं और ऐड करती हूँ। बिरयानी जो है वो चटपटी ही अच्छी लगती है, इसलिए इसे मज़ीद कुटी लाल मिर्च में डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैं इसमें ये डाल रही हूँ सौंफ धनिया, जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था ये मैंने डाली। दोनों हम वज़न लेना है और सो अपने ग्राइंड कर लेना है, और 1 टेबल स्पून आपने इसमें डाल देना है। एंड 1 पिंच जायफल जावित्री पाउडर, एंड ऑल्सो सम गरम मसाला पाउडर। अब इसको जो है 3 से 4 मिनट में मज़ीद फ्राई करूँगी इसको। और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें, मुझे तो अभी से भूख लग रही है। एंड देन इसमें गोश्त ऐड कर लें और इसको अभी हम भुनेंगे 2 से 3 मिनट। अच्छा, इसमें मैंने आलू बुखारा भी ऐड कर दिया है। ये देखिए, ये रहा आलू बुखारा, ये रहे। अगर आलू बुखारा नहीं है तो इसमें आप जो है इमली भी डाल सकते हैं, थोड़ी 2-4 चीज़ें डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अब ये बहुत अच्छा जो है ये फ्राई हो चुका है, सारा इसमें तेल छोड़ दिया है, ऑयल ये देखिए सब तरफ से। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, 1 ग्लास पानी ऐड कर देती हूँ और लिड लगाकर अपना जो है गोश्त गला देती हूँ। ये देखिए मैंने इससे पानी ऐड कर लिया। अभी जब ये बॉयल आ जाएगा, अभी मैंने हाई फ्लेम की हुई है, उसके बाद बॉयल आने के बाद नॉर्मल फ्लेम पे लेकर आ जाऊँगी मैं इसको, और जो है अपना गोश्त जो है हमारा गल जाएगा। अब दूसरी तरफ हमने दूसरा पैन लेना है, उसमें क्या करना है, मैंने चावल जो है डिप करने हैं। चावलों के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने 1/2 kg चावल लेने हैं, सेला चावल लेने हैं आपने, अच्छी ब्रांड के। 1/2 kg चावल आपने साफ़ करने हैं, इसको धोना है, बहुत मल के धोइएगा क्योंकि इसमें मिट्टी जो होती है बहुत निकल आती है। सही, अब आपने क्या करना है, चावलों को धो के अच्छी तरह साफ़ करने के बाद धो लेना है, फिर इसको आपने एक पतीली में डालेगा। अब मैंने जो है 1/2 kg जो है मैं चावल लूँगी, तो उसमें कम से कम जो है मैं इसमें 4 to 6 ग्लास पानी ऐड करूँगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। बस आपने चावलों को जो है नया निथार के रखना है, 3 कनी जो होता है, 3 कनी वो आपने उबाल के रख लेना एक जगह, और स्ट्रेनर से आपको स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने लिए हैं सेला चावल, बहुत अच्छे हैं ये वाले, तो मैं इसको जो है अभी मैं बनाती हूँ। मैंने दूसरे पैन में पानी ले लिया है, 4 to 6 ग्लास लिया है। अब इसमें ये मैं डालेंगे नमक, 2 से 3 चमचे भर के नमक डालना है इसमें, 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा,
थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग, थोड़ी सी जो मैंने धनिया और पुदीने को डाल दिया है, और इसमें दो मैं डालूंगी साबुत मिर्च, डाल दी मैंने हरी डाली थी। उसके बाद मैंने चावल तीन गुनी, तीन कनी जो है, तीन कनी हमारे चावल रह गए थे। अब उसके बाद जो है मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, उसमें चावल डाले आधे से थोड़े ज़्यादा रखे हैं चावल, इसमें थोड़े चावल मैंने बचा लिए। अब उसमें धनिया पुदीना हरी मिर्च और ये टमाटर की स्लाइस मैंने डाले। अभी दूसरी तरफ आप देखिए हमारा मसाला जो है भून रहा है, गोश्त गल चुका है, मैं सब को भून रही हूँ। जब बिल्कुल इसे पानी ख़त्म हो जाए, सारा ऑयल ऊपर हो जाएगा आ जाएगा, उसके बाद हमें इसमें अपने चावलों पर डालना है। देखिए मैंने इसमें गोश्त डाल दिया सारा, अब इसको मैं स्प्रेड कर लेती हूँ सब तरह। अब इसके बाद ये जो मैंने थोड़ी राइस बचाए थे ये इसमें डाल देती हूँ मैं। उसके बाद मैंने ये डाला है फूड कलर और बिरयानी एसेंस फौरन, अब मैंने लिड लगा दी और बिल्कुल दम पे लगा दिया है। अब 10 से 15 मिनट के बाद हम अपनी बिरयानी जो है सर्व करेंगे, हमारी रेडी हो चुकी है। हमारे जो है 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। देखिए माई बिरयानी इज़ रेडी। इफ़ यू वॉचिंग माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। अल्लाह हाफिज़।